आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नमस्कार, और आज हम लोग एक फैंटास्टिक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टॉक को डिस्कस किया हुआ है, बट मुझे बहुत बढ़िया स्टॉक लगता है। फिलहाल जो करंट वैल्यूएशन है, जो करंट लेबल्स है, वो अल्टीमेट लग रहा है मुझे। रॉकेट शेयर बनने की क्षमता है इसके अंदर। रॉकेट शेयर आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से इसमें केवल लॉन्चिंग की देरी है, एक बार लॉन्च होता है तो फिर ये नॉन स्टॉप चलेगा। केमिकल सेक्टर, ऑयल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल सेक्टर, ऑल सेक्टर्स आर वीक। क्यों? क्योंकि ब्रेंट क्रूड जो है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो लगभग $86 के आसपास पहुंच चुका है। और अगर हम बात करते हैं कि करेक्शन की, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अभी क्रूड ऑयल में तेज़ी नहीं बची, ऑलमोस्ट बहुत तेज़ी आ चुकी है। यहाँ से अब अपसाइड की गुंजाइश कम और डाउनसाइड की गुंजाइश ज़्यादा है। लेट्स सी कि कहाँ पर क्रूड के प्राइस है, उसके बाद हम लोग इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको क्रूड के दाम बताता हूँ, ब्रेंट क्रूड, ठीक है। ये ऑयल फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ये investing.com पर। और ये देखिए ब्रेंट क्रूड का जो फ्यूचर है, इसका चार्ट है, और आप देख सकते होंगे 85.97 इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है, $85.97 पर बैरल। ओके, अभी यहाँ से अगर हम देखते हैं कि RSI की बात करते हैं दोस्तों, सो RSI ऑलमोस्ट 80 के आसपास है, यानी कि बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू पर, हायर मतलब अगर बात करें ओवर बॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब इसके रेजिस्टेंसेस कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि अब ये रेजिस्टेंसेस के पास पहुंच चुका है ऑलमोस्ट, और यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लगाएंगे। यहाँ पर हम आपको ये, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल, आप देखेंगे यहाँ पर ये रेजिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, यहाँ तक गया था, देखिए यहाँ से एक गिरावट आई। तो अगर ये यहाँ से रिटर्न हो गया तो वापस एक बड़ी गिरावट हमें ब्रेंट क्रूड के अंदर देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर भी देखिएगा, ये एक बड़ा सपोर्ट था इस लेवल पर, ये डेट थी आपकी तकरीबन 2008 की, 21 जनवरी 2008 की, ये 21 जनवरी 2008 का एक बड़ा लेवल ऑफ सपोर्ट है। और इसके बाद देखेंगे अभी यहाँ पर जब ब्रेक हुआ था 2008 में, 6th अक्टूबर 2008 में जब ये ब्रेक हुआ था, उसके बाद से इसने अपना बॉटम लेवल टच किया था तकरीबन $36 का, ठीक है। फिर उसके बाद अगेन ये ऊपर गया, उसने अपना नया हाई बनाया, मेंटेन किया तकरीबन $126 का। एंड अगेन इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर $86 को छूने के बाद, यहाँ पर 86 के बाद यहाँ से एक बड़ी गिरावट आई, और क्रूड का दाम लगभग $27.87 पर बैरल पहुँच गया, जो कि अभी तक का लोवेस्ट आप देख पाएंगे। बट $27.87 पर बैरल पहुंचने के बाद इसने दोबारा बहुत शानदार तेज़ी दिखाई, रिकवरी दिखाई, और ये प्राइस था इसका तकरीबन 18 जनवरी 2016 को, मतलब 18 जन 2016 को जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस था वो लगभग $27.53 पर बैरल पहुंच गया था। उसके बाद नॉन स्टॉप तेज़ी आई, जिगजैग मोशन रहा, और अब वापस लगभग $86 पर बैरल पे पहुंच चुका, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इसने इस लेवल के ऊपर की क्लोथिंग दे दी, और मैं मान के चलता हूँ अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएटेड वे में देगी, तो आप लगभग मान के चलिए मैक्सिमम $90 पर बैरल, मतलब मुझे लगता है कि $90 पर बैरल से ऊपर ब्रेंट क्रूड का प्राइस नहीं जाना चाहिए। यानी कि अभी $4 की अभी फ़िलहाल हम लोग इसमें एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अपमूव की, कि तकरीबन $4 और बढ़ सकता है, $4 और इसमें इंक्रीज हो सकता है, और तकरीबन $90 पर बैरल के आसपास ये पहुंच के वहां से रिवर्सल लेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी चूंकि जब ब्रेंट क्रूड का प्राइस तेज होता है, उस वक्त केमिकल सेक्टर, पेट्रोकेमिकल, ऑयल सेक्टर, जितने भी इम्पोर्ट, जो जितने भी इम्पोर्ट वाले सेक्टर्स होते हैं, जितने भी आपके लाइक सीमेंट सेक्टर है, इन सभी में वीकनेस रहती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि रुपी का डेप्रिसिएशन इस वक्त हो रहा है। पहली चीज़ तो ये कि क्रूड को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, जब क्रूड इंपोर्ट करते हैं वो उसका प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि महंगा क्रूड हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। अब इंपोर्ट करने के लिए हमें रुपी की जरूरत पड़ती है, तो रुपी जो है अब हमारा बहुत ही ज़्यादा डेप्रिशिएट हो रहा है।
जब रुपी डेप्रिशिएट हो रहा तो फिर इंटरनेशनल लेवल में उसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, घट रही है, तो जिस दोनों ही इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ब्रांड क्रूड में बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है, अब यहाँ से गिरावट संभावना हम लोग रख सकते हैं। तो आप लोग भी केमिकल, पेट्रोकेमिकल, जितने भी ऑयल सेक्टर्स हैं उन पर फोकस बनाकर रखना शुरू कर दीजिए, और उनमें जो आपके बेस्ट स्टॉक्स हैं उनको आप नज़र में रखना शुरू कर दीजिए। और इसीलिए हम लोग आज एक केमिकल सेक्टर के स्टॉक को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बेसिकली स्टॉक बहुत बढ़िया है, फंडामेंटल्स तो अल्टीमेट है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है मुझे फंडामेंटल्स को लेके। आप लोग भी प्रॉपरली चेक कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है। बट चूंकि मार्केट में एक बड़ा ह्यूज फॉल आया, स्मॉल कैप सेगमेंट, मिड कैप सेगमेंट, दू थ्री चीज $27 से पिछले अगर हम एक साल डेढ़ साल की बात करेंगे तो $27 पर बैरल थे, जो क्रूड का प्राइस था वो लगभग $86 पर बैरल पहुँच चुका है। तो उन सभी की वजह से जो स्टॉक्स था वो बहुत नीचे आ चुका है, और अभी यहाँ से उसका जो डाउनसाइड है वो बहुत सीमित या ना के बराबर आप समझ लीजिए। यानी कि टोटल विन विन सिचुएशन है आपके पास, उस स्टॉक को खरीदिए और रखिए, और आप एक साल में उस स्टॉक का जलवा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक के साथ, कौन सा स्टॉक है और ये रॉकेट शेयर होने वाला है आने वाले समय में। तो हम लोग बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम लोग बात कर रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी की, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड की बात कर रहा है। 113.85 का इसका लेवल है, ठीक है, अभी फिलहाल इसका ₹113 का लेवल चल रहा है। फंडामेंटल में बात नहीं करूँगा, ICICI डायरेक्ट ने 170 के टारगेट के साथ बाय कॉल दिया, एंड एग्री, मैं एग्री करता हूँ कि 170 का टारगेट इन ए ईयर बहुत ईजिली अचीव हो जाना चाहिए हिमाद्री स्पेशलिटी का, बिकॉज इट इज़ ट्रेडिंग एट इट्स बॉटम प्राइस, अपने बॉटम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या एग्जिट स्टॉप लॉस होगा वो मात्र 3 या 4 रुपए का होने वाला है, मतलब 3 to 4 rupees का आप एग्जिट स्टॉप लॉस बनाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि बड़ी पोजिशन लेनी वीकली चार्ट पे, अगर वीकली पे ये 108 के नीचे बंद होता है आप एग्जिट कीजिए, 5 रुपए का स्टॉप लॉस है केवल, आपको लॉस होगा 5 rupees का। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर इन्हें 108 के नीचे वीकली चार्ट पर क्लोथिंग दिखा दी तो फिर ये आपको ब्लू 100 rupees भी मिलेगा, ठीक है, बस्ट एंड वेस्ट दोनों ही कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर ये स्टॉक यहाँ से सपोर्ट मेंटेन किया इसने, जैसा कि हम टेक्निकली हम लोग बात कर लेते हैं एक बार, ये इसका चार्ट है आप देखेंगे 112.51 मैंने इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बना के रखा हुआ है, और अगर ये लेवल से रिटर्न आता, रिवर्स होता, जो कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, सो डेफिनेटली ये स्टॉक अपने हायर लेवल 170-180 के लेवल को अटैच करेगा इन द विद इन नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है, ₹113.55 पे, यानी कि 112, और मैं मैक्सिमम आपको अगर बता दूँ स्टॉप लॉस को, मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, 105 बस मैक्सिमम, ₹105 का आप इसमें एग्जिट स्टॉप लॉस बनाइएगा। अगर ₹105 टूट के क्लोजिंग नीचे देता है फिर आप इसमें निकलिएगा और ₹80 का वेट कीजिएगा दोबारा से फ्रेश एंट्री लेने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको 75 से 80 के बीच में मिलेगा। बट बहुत मुश्किल लगता है मुझे, बहुत ही रेयर चांसेस है कि 105 के नीचे की क्लोजिंग आए वीकली चार्ट पे, वीकली कैंडल पे, ठीक है। अब अगर वीकली कैंडल की बात करते हैं तो वीकली कैंडल में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो 105 का सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। यहाँ पर इसने देखिए एक बार यहाँ पर सपोर्ट मेंटेन किया लगभग 20 जुलाई को, और अब फिर वहीं पर ट्रेड कर रहा है उसी 113.5 के लेवल पे। फिलहाल 112 का अगर आप स्टॉप लॉस बना के देखते हैं वीकली चार्ट पे, तो केवल ₹1 का एग्जिट स्टॉप लॉस है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं, ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हैं, तो ₹1 या ₹1.50 का, यानी 112 का आप वीकली एग्जिट स्टॉप लॉस बना के चलिएगा और खरीदिएगा। आप लॉन्ग टर्म की अगर पोजिशनल आप रखना चाहते हैं तो आप लोग SIP बनाना शुरू कर दीजिएगा इस स्टॉक के अंदर, 100, 200, 500, ये जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप हिमाद्री स्पेशलिटी को खरीदना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक आपको अमीर बनाएगा। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस स्टॉक के अंदर अब तेजी आने के लिए शुरुआत हो चुकी है, सिर्फ वक्त है। कहते हैं कि इंजन के अंदर जब फ्यूल चल जाता है बस उसको स्टार्ट करने की जरूरत होती है। अभी ये जैसे ही ब्रांड क्रूड का नीचे की प्राइस आना शुरू होगा ये स्टॉक भागना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये हिमाद्री के बारे में हमने बात की, मंथली कैंडल भी हम लोग अगर देखेंगे सो ऑब्वियसली मंथली कैंडल पर भी ये ऑलमोस्ट अपने लेवल को मेंटेन कर रहा, और मुझे लगता है कि अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना मुझे नहीं लगती है, ठीक है। तो ये रहा मैंने जो आपको बताया, आप देखेंगे यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई के बना रहा था कैंडल, एंड यहाँ पर ये लोअर लो नहीं बना पा रहा है,
यहाँ पर, यहाँ तो रिवर्सल का इंडिकेशन दे रहा है इस पॉइंट से, क्योंकि लो ये है 112.51 के आसपास का, और यहाँ पर ये वहीं पर स्टक हो रहा है, यानी कि ये उस लो को ब्रेक नहीं कर, अगर लो को ब्रेक किया तो फिर आपको 80 रुपीज़ भी मिलेगा ये स्टॉक, तब आप निकल जाइए और 80 पे खरीदिएगा। बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर स्टॉक ने वीकली कैंडल पर 105 से 108 के नीचे की क्लोजिंग दे दी, यानी 5 से 7 रुपये और अगर नीचे क्लोजिंग दे दी वीकली कैंडल पे, तो आप एग्जिट कीजिए। 105 के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं, उसके बाद आप वेट कीजिए 75 to 80 रुपीज़ का फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। तो ये हमने हिमाद्री स्पेशलिटी के बारे में बात किया, स्टॉक बहुत बढ़िया है, 355 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है मार्च 18 के अंदर, और अगर मैं आपको जून के नंबर्स बताता हूँ तो जून के नंबर्स आप समझ लीजिएगा। ₹604 करोड़ का टोटल टर्नओवर था जून 18 में, जून 17 में ₹452 करोड़ का टर्नओवर था, यानी कि काफ़ी अच्छा टॉपलाइन इंक्रीज हुआ क्वार्टर ऑन क्वार्टर 550 से लेकर 604, और ईयर ऑन ईयर में 452 से बढ़कर 604 इनका नेट सेल्स हो गया। साथ ही अगर पीवीटी की बात करेंगे तो जहां पर पिछले क्वार्टर में जून 17 में 75 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं अब 110 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लगभग 35 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है जून क्वार्टर के अंदर। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वार्टर रहा है इनका, सेप्टेम्बर क्वार्टर, वो थोड़ा वीक रह सकता है बिकॉज हाई क्रूड ऑयल प्राइस की वजह से, बट आने वाले जो क्वार्टर है वो बेहतरीन रह सकते हैं, ठीक है। तो QOQ और YOY दोनों ही ग्राउंड पे स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो गाइज, समय बिना ख़राब किए SIP लगा दीजिएगा, शुरुआत कर दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा अपनी एनालिसिस आप ज़रूर कीजिएगा। हम आपको बेस्ट टू बेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं, वो बेस्ट लेवल्स बताते हैं हम आपकी आंखों के सामने, और आप नहीं माने तो आप एक बार फिर से मैं आपको लेवल दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं ये लेवल इन लेवल्स के पास खड़ा है, और यहाँ से जो डाउनसाइड है वो बहुत सीमित है, यानी कि आपको पता है कि अब आपको इतना कितना स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप यहाँ पर खरीदते हैं तो सपोर्ट यहाँ पर होता है, आपको यहाँ नहीं पता होता कहाँ पर एग्जिट स्टॉप लॉस रखना है, बट आप जब सपोर्ट लेवल पर ही खड़े हैं, ज़मीन पर खड़े हैं, तो आपको पता है कि भाई अब हमें कितना एग्जिट स्टॉप लॉस रखना है। तो 105 विल बी द एग्जिट स्टॉप लॉस इन द वीकली कैंडल, उसके बाद आपको 80 और 75 के रेंज में मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, जहाँ तक मोस्ट पॉसिबल चांसेज हैं, 90% चांसेज हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा स्टॉक के अंदर और स्टॉक वापस अपसाइड की मोमेंटम स्टार्ट कर देगा। तो शुरुआत कर दीजिए SIP मेंटेन करने की, क्योंकि ये स्टॉक आपको बढ़िया मुनाफा कमा के देने वाला है। और दोस्तों, अगर आपकी कुछ क्वेरीज होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं moneytreegrowing17@gmail.com पर, मेरा ट्विटर अकाउंट, फेसबुक पेज, इनको आप लाइक कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोस्तों, कुछ भी आपके पास सजेशंस होते हैं तो आप मेरे साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो वो दूसरों तक पहुँच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे लोग हिमाद्री स्पेशलिटी के लिए बेस्ट लेवल जानने के लिए आतुर हैं, तो उन लोगों के साथ आप शेयर करेंगे तो उनको पता चल पाएगा कि हम भी इस स्टॉक के अंदर एंट्री पोजीशन लेके कुछ मुनाफा आने वाले टाइम में कमा सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी ही मैं कुछ नए स्टॉक के साथ आऊँगा, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे नई सीरीज़ के तहत, अब जो बॉटम हो चुके हैं शेयर्स, वहाँ पर कहाँ पर किन स्टॉक्स के अंदर आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी है, ताकि जब अगला एक साल तेजी का आए तो आप उसमें मोटा मुनाफा कमा पाएँ, जो भी आपके लॉसेस हो चुके हैं उनको आप रिकवर करके उनमें प्रॉफिट्स में जा पाएँ, वो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे आने वाले वीडियोस में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद दोस्तों।